एसएस न्यूज़लैंड में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। ₹140 करोड़ के सबसे बड़े हनी ट्रैप में कारोबारी ने की एफआईआर। मां की गोद से बेटे को हाथी ने छीना, फिर दोनों को कुचल कर मार डाला। फोन पर अश्लील बातें करना पड़ गया भारी, महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा। उद्धव ठाकरे बोले, बाला साहेब को दिया था वचन, एक दिन हमारे पास भी शिवसेना का होगा सीएम। अब खबरें विस्तार से। भोपाल रायपुर हनी ट्रैप मामले के तार अब एक छत्तीसगढ़ की छमिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की निवासी तथा रायपुर में डेंटल कॉलेज की छात्रा रही युवती ने अपने जाल में ऐसा फंसाया कि उसे करीब 1.5 करोड़ का चूना लगाने के बाद भी दिल नहीं भरा। आखिरकार 25 लाख और वसूली के चक्कर में यह छमिया उस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गई, जब इंदौर नगर निगम के इंजीनियर की तरह कारोबारी ने भी हिम्मत दिखाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर इलाके के ग्राम पंचायत सेवारी के सराना पार में शुक्रवार की रात हाथी ने महिला और बेटे को पटक कर मार डाला। बस्ती में हाथियों के घुसने के बाद महिला बेटे को गोद में लेकर भाग रही थी। इसी दौरान हाथी ने बाउंड्री पार कर महिला की गोद से बेटे को सुन में लपेट कर फेंक दिया, जहां बेटा पेड़ से टकरा कर 15 फीट नीचे धान के खेत में जा गिरा। महिला बेटे को बचाने के लिए भागी, लेकिन हाथी ने पीछा भी नहीं छोड़ा। इसी बीच हाथी ने माँ और बेटे को कुचल कर मार डाला। डर से छिपे रहे ग्रामीण, खेत में पड़े रहे शव। 1.5 साल में करीब 43 लोगों की हाथियों ने मौत के घाट उतार डाला। भोपाल फोन पर अश्लील बातें करना भारी पड़ गया है, महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा। यह मामला दिनारा क्षेत्र के एक गांव की दर्शाई जाती है। महिला को आए दिन फोन लगाकर अश्लील बातें करता था। जब महिला अपने पति के साथ ऑटो चालक के पास पहुंचे और चप्पलों से पिटाई कर दी, महिला ने भरे बाजार में युवक के मुंह पर चप्पलों की बारिश। युवक पर कार्यवाही शुरू है। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनवाने का जो वचन मैंने बाला साहेब ठाकरे को दिया था, उसे पूरा करना है। हालांकि उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन टूटने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि 288 विधानसभा क्षेत्र के इच्छुक उम्मीदवारों को बुलाने का यह मतलब नहीं है कि युति टूट रही है। उद्धव ने कहा, 1-2 दिन के भीतर शिवसेना भाजपा युति का ऐलान करा दिया जाएगा। तमिल न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।